तो हम मूव ऑन करते आ रहे हैं हमने स्टार्ट में टेबल के मेथड देखे क्रिएट करते कैसे हैं हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर उसकी कुछ एडिटिंग देखी है कि उस टेबल के अंदर हम डिफरेंट चीजों को चेंज कैसे करते हैं अगर टेबल का हमने किसी सेल का बॉर्डर तब्दील करना हो उसका बैकग्राउंड हमने कलर uh, uh, तब्दील किया फिर हमने देखा कि हमने डिफरेंट तरह के अगर कोई चीज़ हमने परसेंटेज में लिखनी है उसको कैसे करते हैं इस तरह हमने और भी मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें कवर किए हैं अब हम फर्दर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ऑप्शंस हमारे पास जो रह गए थे उनको हमने कैसे एक्सेल के अंदर इस कैड के अंदर इस्तेमाल करना है और फिर हम उसी के साथ उन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा जो है वो एक साम्पल टेबल बना भी लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए और फिर आप खुद उस साम्पल टेबल को देखते हुए आप एक बहुत किसी भी बड़े लेवल का टेबल जो है वो बना सकते हैं तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और देखते हैं कि हम इस टेबल को आटो कैड में कैसे बनाते हैं यहाँ पर हमने अभी अपने अप प्रीवियस टॉपिक को कंक्लूड किया है या हमने एक ब्लॉग भी बना लिया था ब्लॉग इन्जर्ट किया था कुछ हमने एंट्रीज़ लिखी थी तो हमारे पास लास्ट में कुछ बेसिक ऑप्शन रह गए थे हम क्विकली उनको आ, उन ऑप्शन को देखने के बाद और अगर और कोई ऑप्शन आपको नज़र भी आती है और रह भी गई है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो ऑप्शन यहाँ पर हो रहे हैं आपने सिर्फ उन्हीं को करना है उनको आपने खुद से जो है वो ऑपरेट करके देखना है क्योंकि मेन परपज हमारा होता है बुनियादी चीज़ों को सीखना जब बुनियादी चीज़ें समझ आ जा जाए जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन हमारी बिल्ट हो जाती हैं फिर बहुत ही आसान होता है किसी भी और कमांड को एग्जीक्यूट करना तो अब हम इसके और ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं फर्ज करें ये हमने अभी देखा था जिस तरह हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास उस सेल के जो है वो मल्टीपल ऑप्शन तो लास्ट तक हमने इस ब्लॉक को जो है वो इन्जर्ट किया था ये हमारे पास ग्रुप एडिट की ऑप्शन भी है जाके जाके इस्तेमाल भी अगर कर कहीं करनी पड़े करेंगे कि अगर आपने कुछ इकट्ठी चीज़ें एडिट करनी है और आप उनको सेव करके फिर आपने किसी और उस पर जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इजीली उसको जाके अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल हम ये हमारे सामने एक ऑप्शन मौजूद है और ये लास्ट इस का सेल के ऑप्शन की लास्ट है इसमें हम सम एवरेज इक्वेशन कुछ भी यानी हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं बिल्ड कर सकते हैं ये जरा फर्ज़ करें ये हमारे पास अभी जो है अगर आप नोट करें तो ये दो एंट्रीज आ रही हैं इन दो एंट्रीज़ में वन टू थ्री एंड वन टू थ्री फोर अब फर्ज़ करें और अक्सर ऐसा होता भी है कि हमें सम करना पड़ जाती हैं कोई चीज़ें और अगर आपने आप इसको सम करना है तो हम क्या करेंगे जिस सेल में हम सम करना चाह रहे हैं सम मीन्स हम प्लस करना चाह रहे हैं इसके साथ एवरेज की ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इन सब की एवरेज निकालना चाह रहे हैं फ़र्ज़ करें हम चाह रहे हैं कि ये जितनी भी ऊपर तीन एंट्रीज़ हैं ये तीनों जमा हो जाएँ तो जमा करने के लिए जिस सेल में हम उनको जमा करना चाह रहे हैं हमेशा ऐसी होता है कि बॉटम में वो सेल मौजूद होता है अभी हमारे पास सेल है हम सिंपल जाएंगे और जिस सेल में हमने क्लिक की और अब यहाँ पर हम जाके सम का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं अब जैसे ही हमने सम का फार्मूला ऑपरेट किया नीचे आपने कमांड लाइन में लाजमी ऑप्शन देखनी है सेलेक्ट फर्स्ट कारन ऑफ द टेबल ऑफ द टेबल सेल रेंज हमेशा हम या तो ये करें कि हम फर्स्ट और लास्ट को करें या हमारे पास ऑप्शन है कि आप तीनों को इकट्ठा जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तीनों को तो ये मेरे पास ए क्योंकि ये ये आपका हमेशा जो एड्रेस होता है सेल का जो एक्सेल में भी आपने देखा होगा या अगर आपने बेसिक मैथ्स जब पढ़ी होगी तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉलम और फिर रो तो ये ए कॉलम है और हमारे पास ये ए टू रो है ये थ्री है ये फोर है तो सम हमारा हो रहा है फ्रॉम ए टू टू ए फोर क्योंकि ये ए टू है हमारा ए थ्री और ए फोर और जैसे ही आप इसे एंटर करते हैं तो ये अगर आप नोट करें तो समय हमारा टू फाइव नाइन वन इसी तरह अगर ये फ़र्ज़ करें हम इसको यहाँ से जो है वो डबल क्लिक करके डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ से फार्मूला जो है वो पिक कर लेते हैं ये हम सेल पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ से फार्मूला पिक कर लेते हैं एवरेज का कि इन तीनों की एवरेज हमें बता दें अगेन आप सेम इनको सिलेक्ट करें और ये हमारे पास एवरेज आप एंटर करें तो ये हमारे पास एट सिक्स थ्री पॉइंट डबल सिक्स आगे भी सिक्स सिक्स समथिंग तो इस तरह हम इसी के अंदर फंक्शन बिल्ड करके सम और एवरेज नॉर्मली हम इन दो फार्मूला को इक्वेशन अभी क्योंकि राम कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं जा रहा है नॉर्मली जब टेबल्स की बात होती है तो या हम सम कर रहे होते हैं या बाजूक हमें एक एवरेज चाहिए होती है तो इस तरह हम अपनी किसी भी टेबल के अंदर जो है वो बेसिक एक सेल के ऊपर क्लिक करके ये जो गेंद में क्लिक कर रहा हूँ जब आप क्लिक करते हैं तो आप इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं जो अभी हमने ऑपरेट करके देखे हैं यहाँ पे अब हम यहीं पे अगर हम नोट करें ये जो एक दो तीन एसोसिएटेड फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है इस सेल के अंदर हमने ये हमारे पास दो जो हैं वो सेल्स हैं ये हमने दो सेल्स इकट्ठे किए और अब हम चाह क्या रहे हैं हम इनको मर्ज करना चाह रहे हैं मर्ज करना क्या होता है कि इन दो सेल्स को इकट्ठा करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि ये हमारी जो बाउंड्री है विद इन लाइन नज़र आ रही है ये लाइन ख़त्म हो जाए और ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ जाएँ और अक्सर ऐसा होता है जब अभी हम टेबल बनाएंगे भी सही अगर आपने रिज़ल्ट कार्ड देखे होंगे तो रिज़ल्ट कार्ड के आखिर में ये सारे कॉलम जो हैं यहाँ लिखा होता है टोटल इस सेल के अंदर और ये नॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये मिले होते हैं या ऐसा है, नहीं भी हो तो कुछ सेल्स आपके चाहे ये तीन सेल्स हों आप चाहते हैं कि इन तीन सेल्स के अंदर की ये लाइंस आपस में ये नज़र आएँ इसके लिए हमने क्या करना है ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी जहाँ से हमने एक कॉलम डिलीट किया था उसी के साथ मर्ज सेल तो जैसे ही हम मर्ज सेल करते हैं तो हम क्योंकि अभी यहाँ पे जितने सेल्स को ऑल ये तीन सेल्स हैं हम ऑल करना चाह रहे हैं तो ये आप नोट करें तो क्या हुआ है ये हमारे पास मैं कंट्रोल जी करता हूँ और वापस ये हम इन तीन सेल्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने मर्ज सेल्स किया तो ख़ुद ब खुद ये तीनों सेल्स हमारे जो हैं वो मर्ज हो गए हैं आपस में जुड़ गए हैं अब अगर हम चाहें तो अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास साथ में एक ऑप्शन मौजूद है जो है वो अनमर्ज क्योंकि मर्ज ऑलरेडी हो चुके हैं जब हमने मर्ज करना था तो उस वक्त ये ऑप्शन जो है फेड था जिस तरह ये नज़र आ रहा है और अब क्योंकि हम मर्ज हो चुके हैं तो अब अनमर्ज हम कर सकते हैं तो हम अनमर्ज करते हैं तो ये हमारे पास आसानी के साथ जो है वो ये सेल वापस आ चुके हैं तो इस तरह हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं और अनमर्ज अब हम इस टेबल को डिलीट करते हैं और ये हम ब्लॉक भी फिलहाल डिलीट कर देते हैं और अब हम एक नया जो है वो एक टेबल जनरेट कर लेते हैं जिसकी हम छः जितने भी रोज़ हम सैम्पल को टेबल बना लेते हैं फर्ज़ करें हम उसकी छः रोज़ और पाँच कॉलम्स बना लेते हैं हम यहाँ पे ड्रा के अंदर से भी या गेंद वो सिंपल टेबल की कमांड से भी हम टेबल लगा सकते हैं फिलहाल हम और कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम इसके फाइव कॉलम्स कर देते हैं और सिक्स रोज़ ये सपोजिशन में हम कर रहे हैं फ़र्ज़ करके बना रहे हैं आप इसको चाहें और कॉलम और रो हाइट आप पे डिपेंड करती है इसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि सबसे पहले उसका टाइटल होना चाहिए ऊपर और टाइटल के नीचे हमारे पास फर्दर ऑप्शन हो इसको हम यहाँ पे जो है वो मूव कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे ये हमने इसका टाइटल रखना है इसको हम ड्रैग करके किसी भी पॉइंट पे तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक के साथ रिजल्ट कार्ड ऑफ फर्ज करें मैट्रिक ये रिजल्ट कार्ड ऑफ मैट्रिक तो इसको हम एम को यहाँ से बड़ा कर लें क्योंकि हम सारे वर्ड्स को बड़े कैपिटल रख रहे हैं तो ये हमारे पास हमने लिखा रिजल्ट कार्ड ऑफ मैट्रिक और अब अगर हम फर्ज़ करें इसको हम फिलहाल सेम रखते हैं यहाँ से हमारे पास जो है वो सीरियल नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं हमारे और यहाँ पे हमारे पास हम लिख देते हैं सब्जेक्ट नेम ये हमारे पास सब्जेक्ट नेम है जिसको आप और इसके साथ हमारे पास जो है वो या आप कर्सर से क्लिक करें या आप टैब का बटन प्रेस करें तो आपको ले जाएगा साथ आप जब वो भी रिजल्ट कार्ड आप देखते होंगे तो ऑब्टेन्ड मार्क्स और इसके साथ हमारे पास हैं टोटल मार्क्स हमेशा होते हैं और अब अगर आप चाहें तो आगे आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं चलें हम परसेंटेज का एक सिंपल जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि हमें फ़र्ज़ करें परसेंटेज भी हमारे पास आ जाए और फिलहाल इसको जो है हम इन इन एक को सिलेक्ट कर भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक कॉलम है तो हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं अब ये हमारे पास एक जो हम चाह रहे हैं अगर हम चाहें कि कुछ और कॉलम्स या रोज़ ऐड हो जाएँ तो भी हो सकती हैं बहरल फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे अब हम कॉमन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट होती है हमेशा इसको आप ऐड कर लें फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम उर्दू रख लेते हैं हम ये हमारे पास ऑलरेडी ये हर साइंस आर्ट्स सारे बच्चे पढ़ते हैं इस अलामियात यस हम उसको ऐड कर लेते हैं और बस फर्ज करें इसी तरह आप और सेल्स भी ऐड कर सकते हैं फिलहाल हम जो है वो इन्हीं सेल्स के साथ वर्क करते हैं और बाकी जो है हम रोज़ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं तो ये हमारा एक बहुत छोटा सा एक फ़र्जी सा जो है वो जिसके अभी सब्जेक्ट्स भी काफ़ी कम है एक रिजल्ट कार्ड ताकि आपको जनरेट करना आ जाए ये हमारे पास एक टेबल था अब हमारे पास जो आ, अभी ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो कौन सी है कि ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये इंग्लिश का वर्ड जो है ये टॉप में नज़र आ रहा हो आपको जिस तरह यहाँ नज़र आ रहा है जैसे उर्दू नज़र आ रहा है इसका मतलब है हमें चेंज करने की ज़रूरत है तो हम वेरी क्विकली इसके ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और इस इंग्लिश के वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे हमने डबल क्लिक की और इंग्लिश के वर्ड को सिलेक्ट किया और ये हमारे पास अब जिस तरह हम सेल पे जो डिफरेंस है वो नोट करें जब सिर्फ सिंगल सेल पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा जिसके अंदर हम रोज को डिलीट लेकिन जब आप डबल क्लिक करते हैं तो इसके बाद वो आपको फॉर्मेटिंग सिंगल क्लिक में सिंपल आप सेल की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं विद इन सेल यानी एक क्लिक का कर करेंगे तो सिर्फ सेल को आप उसकी जो बॉर्डर है उसका कलर है लेकिन जब आप डबल क्लिक कर देते हैं तो अब आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेता हूँ ये यह यहाँ पे अगर आप देखें ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बटन है ये मेरे पास ऑप्शन है जहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे वो आपसे टेक्स्ट प्लेसमेंट पूछ रहा है ये टेक्स्ट आप कहाँ लिखना चाहते हैं तो ज़्यादातर हमारा मिडल सेंटर होता है ये आप नोट भी करते होंगे यहाँ पे वैरल ऑप्शन मौजूद हैं ये देखें आप टॉप सेंटर में जा सकते हैं जो डिफॉल्ट था टॉप लेफ्ट में जा सकते हैं आप यहाँ से मिडल राइट right में जा सकते हो डिपेंड्स हम मिडल लेफ्ट के ऊपर हम प्रेफर करते हैं अपने मिडल सेंटर uh, हम प्रेफ़र करेंगे साथ ही हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है कि हम इसका साइज बदल दें तो अब ये हमारे पास ये जीरो इंच है हम इसको वन कर लेते हैं तो जैसे ही हमने वन किया तो आप नोट करें बाहर क्लिक करके सो नाउ इंग्लिश अभी भी कुछ ये बड़ा लग रहा है अब अगर सपोज ये आपने लगा लिया और ये वन इंच है और आप चाह रहे हैं कि इसको फिर तब्दील करना है तो आपको पता चल चुका है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है आप इस पर डबल क्लिक करें ये दोबारा वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बटन है अब एक चीज़ जो यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स जो कॉमन एक मिस्टेक कर देते हैं वो मिस्टेक कौन सी है कि हम यहाँ पे नॉर्मली अब फर्ज करें ये इंग्लिश है और मैं यहाँ से इसको टू इंच कर रहा होता हूँ अब देखिए कोई चेंज नहीं आई इसके अंदर मैं यहाँ से इसका फोन्ट साइज़ बदलने लगता हूँ कोई चेंज नहीं आई क्योंकि कैड के अंदर मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ बार बार जब तक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होती जब तक वो चीज़ सेलेक्ट नहीं होती कैड उसको चेंज नहीं करता तब्दील करने के लिए आप इस इंग्लिश के वर्ड को क्लिक करें अब आप इजीली जो है इसको हम पॉइंट फाइव इंचज़ कर देते हैं हमने देखा क्योंकि वन इंच में बड़ा था और अब आप नोट करें और यहाँ से आप कुछ भी चेंज करें अब अब नोट करें तो इंग्लिश वर्ड जो है वो आपका पॉइंट फाइव इंचज़ में हो गया अब फर्ज़ करें हम इसी ये जो हमारा नज़र आ रहा था हमें ये जो इंग्लिश जहाँ लिखी हुई है हम इसको अगर ऑपरेट करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि यही एज़ इट इज़ जो हमारा टेक्स्ट है यही जो टेक्स्ट साइज़ हमने और फॉन्ट uh, साइज़ और ये सिलेक्ट किया वो सेम बाकी सेल्स में भी पेस्ट हो जाए और हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम बार बार एक सेल की प्रॉपर्टीज बदलें तो आपने क्या किया सिंपल आपने ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कंट्रोल जी करते हैं पर्पज़ हमारा क्या है कि ये इंग्लिश अब हमने लिख लिया है हम चाहते हैं कि यही फॉन्ट साइज जितना भी हमने पॉइंट फाइव किया और फॉन्ट जो स्टाइल हमने सेलेक्ट किया ये पूरे टेबल में हमारा ऑपरेट हो जाए हमें ज़रूरत ना पड़े एक एक जगह पे जाके दोबारा तब्दील करने की हमने क्या किया इंग्लिश के सेल पे क्लिक किया वही हमारे पास टेबल का जो ऑप्शन थी वो आई ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है मैच सेल मैच सेल क्या करता है कि एक सेल की प्रॉपर्टीज़ किसी भी दूसरे सेल के अंदर जा के आप ईजिली जो है वो पेस्ट कर देते हैं तो ये मैंने यहाँ पर सिंपली जो है वो इस सेल में क्लिक किया इसमें क्लिक किया इसमें क्लिक की इसमें इसमें जहाँ जहाँ आप क्लिक करना चाह रहे हैं अगर इसका कलर भी होगा तो ये कलर भी पिक कर लेगा और अगर आपका ये जैसे आप दे नोट करें मैंने मैच सेल किया क्योंकि अब मैं सेल की प्रॉपर्टीज़ कर रहा था तो उसने मेरे फर्स्ट जो टाइटल पेज तो स्लाइड थी उसको भी उसने आ, हेडर जो मैंने टाइटल लिखा हुआ था उसको भी उसने चार कॉलम में तो मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो है वो ये दोबारा हम यहाँ पे किस तरह हम स्विच कर सकते हैं और ईज़ीली जो है हम तो इस तरह हमने यहाँ पे अपना मैच प्रॉपर्टीज़ किया अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम क्विकली यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ करके इसका एक टेबल बनाकर और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह इस टेबल को एक्सेल में लेके जा सकते हैं और एक्सेल के टेबल को हम कैड के अंदर लेकर वर्क कर सकते हैं